हमारे लिए तो ये आज का दिन महिला सक्षमीकरण दिन ये मैंने भाषण में घोषित कर दिया था, और उसी के साथ साथ आज विभाग वार्ड क्रमांक 25 में आज सिलाई मशीन अपना घरघंटी और कांडप वाटप आज सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे विभाग प्रमुख आमदार प्रकाश दास सुर्वे, इनके माध्यम से आज यहाँ पे हमारे वार्ड क्रमांक 25 के सभी सर्वसामान्य जनता को, यहाँ के महिलाओं को आज हम उसका वितरण करने वाले हैं। इसके हमें खुशी है। सबसे महत्व की बात आज यही है कि हमारे यहाँ पे 25 नंबर वार्ड में उत्तर भारतीय महिलाएं और हमारे महाराष्ट्रीयन महिलाएं ये भारी संख्या में है, तो हमारे ये उत्तर भारतीय महिलाएं और महाराष्ट्रीयन महिलाओं को जो घर पे बैठते हैं उनको हाथ में काम देने का आज एक ये जरिया ये मशीन बन चुका है, और मुझे खातरी है कि आने वाले समय में इनको ये मशीन के मदद से इनके घर परिवार को कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ हाथभार लगने वाला है। इसका मुझे आनंद है। सात सौ से 800 सिलाई मशीन का वाटप यहाँ पे होने वाला है, पर वो दो टप्पे में होने वाला है। आज का ये पहला टप्पा यहाँ पे संपूर्ण होने वाला है। आज आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे वीडियो आपका एक बार दिखा दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज के दिन भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं उपस्थित है, और जो उपस्थित है उन सभी को हम सिलाई मशीन दे के ही घर भेजेंगे। ये आज जो माननीय मुख्यमंत्री हम सब के नेता एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और यहाँ के गोर गरीबों के आमदार माँ काठाड़े के प्रकाश दादा सुर्वे के नेतृत्व में जो ये गोर घंटी और ये जो है सिलाई मशीन और ये मसाला की मिक्सिंग करने वाली मशीन का जो वाटप हुआ है, ये महिलाओं के रोजगार के माध्यम रोजगारों को सोच के हुआ है, और हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र की वो लोगों के रोजगार के ऊपर ध्यान दे रही है, लोगों के काम धंधे पे ध्यान दे रही है। कल ऐसे ही हमारे आमदार प्रकाश दादा सुर्वे के लड़के राज प्रकाश दादा सुर्वे जो कि युवा अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं हमारे, उन्होंने कल जो है रोजगार मेला लगवाया था अपने ऑफिस में। तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो लोग हैं वो रोजगार पर ध्यान देने वाले लोग हैं। हम लोग टीका टिप्पणी करने वाले या दोषारोपण करने वाले लोग नहीं हैं, और हमको ऐसा नहीं है कि हम टीका टिप्पणी करके या जो है दोषारोपण करके हमको सत्ता पाली चाहिए। हमको सत्ता का कोई लालच नहीं है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो एक रिक्शा ड्राइवर से आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, तो गोर गरीबों की भावनाओं को समझते हैं। जो आदमी 24-24 घंटा 48-48 घंटा काम कर रहा है मंत्रालय में बैठ के, तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, और आने वाले समय में इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। और रही बात माघाठाणे विधानसभा की, तो प्रकाश दादा सुर्वे जिस ढंग से यहाँ काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो दादा मुझे लग रहा है पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतों से जीत के आएंगे।